वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन, वी आर रीडिंग 10th and 100th एंड इन दिस वीडियो वी विल रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच सिटी इज कूल. विच सिटी इज कूल, हियर आर सम पिक्चर. वन इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. आई लिव इन हिमाचल. देयर द टेम्परेचर इन विंटर इज 2 सेल्सियस. 2 सेल्सियस मतलब इट इज वेरी कूल. समटाइम्स वाटर इज पाइप्स, वाटर इन पाइप्स फ्रीजेस इनटू आइस. जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाता है तब वहाँ का जितना भी पानी होगा वो आइस में बदल जाता है, वो फ्रीज हो जाता है. ठीक है, पाइप के अंदर भी पानी अगर होता है तो पाइप के अंदर का पानी भी बर्फ बन जाता है. इसी तरीके से ये लेडी बोल रही है, बट इन राजस्थान वेयर आई लिव द टेम्परेचर रीचेज 48 डिग्री सेल्सियस. हियर इट इज वेरी हॉट. वन हैज़ टू वॉक किलोमीटर टू गेट वाटर. ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है. इट मीन्स देयर इज टू हॉट एंड लोगों को पानी भरने के लिए माइल्स या किलोमीटर्स चलना पड़ता है. ठीक है, तो ये दोनों हमारे ही देश के स्टेट हैं. इन दोनों स्टेट में इतना सारा अंतर है. अब हम लोग मैप में देखें. यहाँ देखिए मैप में श्रीनगर विच इज द कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द टेम्परेचर इज 8.1 डिग्री सेल्सियस. इन जयपुर राजस्थान 23.2 डिग्री सेल्सियस. भोपाल इज द कैपिटल सिटी ऑफ एमपी एंड द टेम्परेचर ऑफ द भोपाल इज 25.9 डिग्री. एंड कोलकाता इज द कैपिटल सिटी ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड द टेम्परेचर इज 26.6 डिग्री सेल्सियस. मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ द महाराष्ट्र एंड टेम्परेचर इज 35.1 डिग्री सेल्सियस. एंड तिरुवनंतपुरम टेम्परेचर इज 33.5 डिग्री. एंड हियर इट इज चेन्नई इज 29.9 डिग्री सेल्सियस. एंड गुवाहाटी इज देयर इज 24.8 डिग्री सेल्सियस. नाउ कम टू द क्वेश्चन, विच प्लेस हैड द हाइएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM. यहाँ पे ये 3 PM पे 16 जनवरी 2008 का टेम्परेचर दिया हुआ है. तो कौन सा प्लेस सबसे ज्यादा गर्म है? सबसे पहली बात तो गर्म इसमें देखिए, सबसे ज्यादा गर्म तिरुवनंतपुरम से भी ज्यादा गर्म क्या है? मुंबई है. यहाँ पे मुंबई लिखेंगे. मुंबई इज हॉट एंड कूलेस्ट इज श्रीनगर. व्हाट? श्रीनगर. इट इज क्लियर. कम टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन श्रीनगर. तो मुंबई का टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 35.1 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर का 8.1 डिग्री सेल्सियस. माइनस कर दीजिए इसको, 0 and 8, 7, 15 and 2 is 11. अब इसका मतलब है दोनों का अंतर कितना होगा? 27.0 डिग्री सेल्सियस. ये इसका आंसर हुआ. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम. तो तिरुवनंतपुरम का जो टेम्परेचर है आपको करना पड़ेगा 40.0 डिग्री सेल्सियस माइनस 33.5 डिग्री. अब इसको माइनस कर लेंगे, 5 यहाँ बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस.
It is clear? Now come to the fourth question. How much lower is the temperature of Kolkata from that of the Chennai? तो चेन्नई का टेम्परेचर 29.9 डिग्री है. कितना है? 29.9 डिग्री है और कोलकाता का 26.6 डिग्री है. अब कितना माइनस होगा? 3.3. मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3.3 डिग्री सेल्सियस. नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. The temperature in these cities was also noted at 3 a.m. on the same day. Look at the table and answer the question. Here is a table and give the answer. Question है, which place had the lowest temperature at 3 a.m.? तो lowest temperature यहाँ कितना है? श्रीनगर का, और वो भी 1.3 degree. Imagine yourself to be there and describe how it would feel. तो आंसर यहाँ तो श्रीनगर हो जाएगा और 1.3 डिग्री अगर टेम्परेचर होगा तो आप कैसा फील करेंगे? It is very chill and you will also feel shivering cold. And the last question of this chapter is what is the difference between the temperature at 3 p.m. एंड 3 AM इन चेन्नई. तो 3 AM चेन्नई का है 21.1 डिग्री और 3 PM पे कितना है चेन्नई का? 29.9. अब आप इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ 8 आ जाएगा 0.8. तो आंसर होगा 8.8 डिग्री सेल्सियस. इस तरीके से ये चैप्टर आप लोग का फिनिश हुआ. अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.